हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इंजीनियरिंग टर्म में। आज हम हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कुछ नॉलेज इकट्ठा करेंगे। सचमुच ही वो एक दिग्गज नेता थे जो अब नहीं रहे, तो आइए हम कुछ जानें। फ्रेंड्स, सबसे पहले उनका जन्म ग्वालियर में 1924 में हुआ। 25 दिसंबर 1924 को उनका जन्म हुआ। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान गिरफ्तारी 1942, भारतीय जनसंघ से जुड़े 1951 में, लोकसभा सदस्य चुने गए पहले 1957 में, राज्यसभा सदस्य बने पहले 1962 में, भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने 1968 में, आपातकाल में जेल गए 1975 में, जनता पार्टी की सरकार में विदेश मंत्री बने 1977 में, भारतीय जनसंघ को भाजपा बनाया और इसके पहले प्रेसिडेंट बने 1980 में, देश के प्रधानमंत्री बने 13 दिनों के लिए, मात्र 13 दिनों के लिए 1996 में, दूसरी दूसरी बार पीएम बने 13 महीने के लिए, मात्र 13 महीने के लिए पोखरण परमाणु परीक्षण किया 1998 में, तीसरी बार पीएम बने, दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू की। ध्यान से नहीं सुने, दिल्ली लाहौर बस सेवा इन्होंने ही शुरू की 1999 में, सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च किया 2001 में, संसदीय चुनाव में बीजेपी की हार हुई 2004 में, राजनीति से संन्यास लिया 2005 में, आघात से हुए पीड़ित सन 2009 में, 90वां जन्मदिन गुड गवर्नेंस के डे के रूप में मनाया 2014 में, भारत रत्न इन्हें मिला 2015 में। कितना मिला दोस्तों? 2015 में एम्स में भर्ती हुए 2018 में, और अंततः 16/8/2018 को 5:05 पे दिल्ली के एम्स अस्पताल में इनका निधन हो गया।